Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर बायोलॉजी क्लास। तो ऑलरेडी हम लोग मेंडेल्स लॉ पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ प्रोग्रेस। तो इससे पहले हम लोग ने क्रॉसेस देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो करता था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑलरेडी हम लोग ने अपने वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बेस पे है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमारे किस तरह की क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, डायहाइब्रिड। तो डायहाइब्रिड तो ऑब्वियसली इसमें हमें दो कैरेक्टर्स की स्टडी करना है। ठीक है, तो टू कैरेक्टर्स की हमें इसमें स्टडी करना है, उनकी क्रॉसिंग करनी है और वो F1 जनरेशन F2 जनरेशन में कौन सी प्रोजनी या F1 जनरेशन F2 जनरेशन में किस तरह की फॉर्म हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरेंटल क्रॉस। तो ऑब्वियसली हमने बताया कि दो कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, राउंड येलो सीड। राउंड येलो सीड इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सीड के शेप की और सीड के कलर की स्टडी कर रहे हैं। किसकी, सीड की शेप और सीड के कलर की, ये दो कैरेक्टर्स की हम स्टडी कर रहे हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस है तो इसीलिए हम क्या, टू कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। तो टू कैरेक्टर्स की स्टडी क्या है, एक तो सीड के शेप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे, प्रोजनी देखेंगे, और सीड कलर, इन दोनों की क्रॉसिंग, इन दोनों की जीन की हम क्रॉसिंग करके देखेंगे। तो क्या है, इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे लिखा है राउंड येलो सीड। इट मीन्स जो सीड है वो राउंड शेप का है और कलर उसका येलो है। ठीक है, नेक्स्ट रिंकल ग्रीन सीड। रिंकल मीन्स जो शेप है सीड का वो रिंकल है और कलर उसका ग्रीन है। तो ये तो बात हुई हमारे पेरेंट्स फिनोटाइप। ठीक, ये क्या है फिनोटाइप, तो इनके जीन्स क्या है, इनके फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। राउंड है तो ऑब्वियसली उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जीन होते हैं हमेशा वो पेयर्स में होते हैं। अगर आप लोग सोचें कि सिंगल हम कोई भी जीन लेके क्रॉसिंग करा ले तो पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, तो हमेशा जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड हो गया और ये येलो हो गया। सेम यहाँ पे ये रिंकल को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, ग्रीन को स्मॉल वाई से। ठीक है, तो वापस हम लोग को क्या, गैमिट्स फॉर्म करना। गैमिट्स फॉर्म के टाइम पे ये जो हमारे जीन्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो सेपरेट होंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है, ये हमारे क्या, जो जीन्स है वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। फर्स्ट पे ये क्या है, ये हमारे क्या है, सेपरेट पे है। ठीक है, जो जीन्स है वो क्या है, हमारे सेपरेट होंगे। तो सेपरेट होने के बाद इनमें क्या है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। तो क्रॉसिंग के बाद क्या है, यहाँ पे जो हमारा राउंड और जो येलो हमारे जो सीड के शेप या फिर जो कलर प्रेजेंट है इनके बीच के जीन्स की क्रॉसिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमें एक जीन बन करके तैयार हुआ जिसको हम राउंड येलो कहेंगे, और इसकी क्रॉसिंग कराया तो राउंड येलो। सेम अगर यहाँ पर हमने क्रॉसिंग कराया तो ये क्या होगा, रिंकल येलो, और यहाँ पे क्रॉसिंग कराया तो ये आर वाई। ठीक है, रिंकल येलो। तो यहाँ पे हमें क्या, जीन्स मिल गए, हमें क्या देखा, जीन्स मिल गए राउंड येलो, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन और रिंकल ग्रीन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें जीन्स मिल गया। ठीक है, अब फाइनली क्या है, ये हमारे गैमेट्स बन करके तैयार है। ठीक है, जिनका जीन हम लोगों ने देख लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट और स्मॉल आर स्मॉल वाई से। तो फाइनली ये जो हमें गैमेट्स बन करके तैयार हुए हैं, अब ऑब्वियसली हम इनमें क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। तो वन बाय वन जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में कराया था वैसे ही कराएंगे। और वापस से मैं कह रही हूँ आपको कॉपी में ये चीज़ करते रहना है, वरना इसमें आप में भी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बुक और कॉपी साथ लेकर आप लोग ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रॉसिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो इसकी क्रॉसिंग हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई से करेंगे। तो क्या देखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। ठीक है, ये क्या है, हमें फर्स्ट हमारी जो प्रोजनी है वो देख रहे हैं कि क्रॉसिंग होने के बाद अगर हमने इस जीन को इससे क्रॉसिंग कराया तो हमें ये देखने को मिलेगा, कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल, ये जीन मिलेगा, मतलब ये प्रोजनी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको अगेन क्रॉसिंग कराया तो इसको भी हम क्रॉसिंग कराएं, इससे हम क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है,
इससे भी ये क्रॉसिंग कर सकता है और इससे भी क्रॉसिंग करेगा। मैंने कहा था वन बाय वन सबसे क्रॉसिंग कराना है। अगर इसके केस में देखें तो ये क्या करेगा, पहले इससे क्रॉस करेगा ये दिखा, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई हमने क्रॉस किया तो ये मिला। अगर हम इससे भी इसको क्रॉस कराते तो हमको यही मिलता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अब वापस हम इसको क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई को हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो इनको जब हमने क्रॉस कराया तो क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो वापस हम क्या करेंगे, हमें ये क्रॉसिंग कराया ये मिला। और अगर हम इसको मीन्स स्मॉल आर स्मॉल वाई को क्रॉसिंग कर इससे कराएंगे तो भी हमें यही मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्मॉल आर स्मॉल वाई की, तो इसकी क्रॉसिंग हम क्या कराएंगे, इससे भी कराएंगे और इससे भी कराएंगे, ठीक है, वन बाय वन सबसे कराएंगे। तो इससे भी अगर हमने क्रॉसिंग कराया तो भी हमें ये मिलेगा और इससे कराया तो भी हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फोर टाइप्स की प्रोजनी देखने को मिली है। हमने देखा कि फोर तरीके हमारे क्या है, हमें प्रोजनी देखने को मिल रही है। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन से हमारे राउंड येलो है और कौन से रिंकल ग्रीन है। जैसे कि मैंने बताया था डोमिनेंट, तो हम हमेशा देखेंगे डोमिनेंट। अगर कोई जीन डोमिनेंट प्रेजेंट है, इट मीन्स कैपिटल लेटर से प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राउंड येलो। अगर कोई भी स्मॉल लेटर से प्रेजेंट है तो उसको हम रिंकल ग्रीन कहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये क्या है, राउंड येलो है। ये भी क्या है, राउंड येलो और राउंड येलो, क्योंकि हमारा जो एफ वन जनरेशन में जो प्रोजनी बन करके तैयार हुई है वो सारी जीन, हमारी जो जीन्स है वो क्या है, डोमिनेंट है। रिसेसिव जीन्स भी प्रेजेंट है, बट ये जो डोमिनेंट जीन है इनके ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रिसेसिव वाले जीन के फंक्शन को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें हमारे एफ वन जनरेशन में कौन कौन सी प्रोजनी देखने को मिली, तो आप क्या बोलेंगे, एफ वन में हमें क्या मिली, राउंड येलो। क्या देखने को मिला, राउंड येलो। तो फोर हमें क्या, राउंड येलो, फोर टाइप्स के हमें राउंड येलो जीन्स देखने को मिली, प्रोजनी मिली, ठीक है, राउंड येलो। कहाँ पे, एफ वन जनरेशन में, ठीक है, कहाँ पे, एफ वन जनरेशन में। अब वापस से एफ वन जनरेशन में हमें ये राउंड येलो जीन्स जो मिली है, फोर तरह के जो राउंड येलो हमारे प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो सीड का हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें सीड की पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीड के कैरेक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सीड की कैरेक्टर्स क्या, हमें फोर तरह के ऐसे हमें सीड्स मिले हैं जो कि राउंड येलो है। इट मीन्स उनका शेप क्या है, राउंड है, और कलर क्या है, येलो है, ठीक है। तो ये तो हमने एफ वन जनरेशन में देखा। नेक्स्ट क्रॉस हम लोग एफ वन क्रॉस कराएंगे, अगेन हम इनकी क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे, इट मीन्स इसको हम वापस से इसी के जीन से क्रॉस कराएंगे। तो हम क्रॉसिंग के बाद हमें क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं, कितने तरह के और अलग हमें सीड शेप या कलर देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ये इस क्रॉस से देखेंगे, ठीक है। तो आज की हमने पढ़ा पेरेंटल क्रॉस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एफ वन क्रॉस, ठीक है। और यही चीज़ आपका सिमिलर बुक में भी दिया गया है, बुक में भी आप देखिए पेरेंटल क्रॉस दिया गया है जिसमें आपकी ये क्रॉसिंग कराई गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पेरेंटल क्रॉस आज डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में एफ वन क्रॉस डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एफ वन क्रॉस कंटिन्यू करते हैं, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के आगे का पोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी भी डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि एफ वन जनरेशन में हमें फोर टाइप्स के राउंड येलो सीड देखने को मिला था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ वन क्रॉस कराएंगे, इट मीन्स जो हमें सीड मिला था उसकी हम सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, राउंड येलो सीड मिली थी, उसकी जीन हमारी क्या थी, आप देख रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हमारे जीन्स है, हमें क्या करना है, गैमेट्स बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, गैमेट्स फॉर्म करने हैं। तो गैमेट्स कैसे फॉर्म होगा, अगर आपको याद हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स की स्टडी किया था, तो सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो गैमेट्स फॉर्म होने के टाइम पे ये सेपरेट हो जाते थे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ डायहाइब्रिड आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या फोर टाइप्स के आपको अलग अलग तरीके आपको क्या जीन्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये पेयर्स में जीन है और ये पेयर्स में जीन है। तो हमें क्या करना है, इनको एक बनाना है, मतलब कि हमें इनमें क्रॉसिंग करके हमें क्या एक तरह की जीन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से सिंगल था तो हम सेपरेट करके गैमेट बनाते थे, बट यहाँ पे हमें क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टू कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं,
तो कैपिटल आर हम वापस से इसकी क्या करेंगे, क्रॉसिंग करके हम फाइनली की गैमिट्स बना लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पेयर्स में हमारे जीन्स आ गए, तो हमारे गैमिट्स बन करके तैयार हो गए। सिमिलर हम यहाँ पे भी, यहाँ पे जो हमारे राउंड येलो सीड्स है इनको हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करके, क्योंकि यहाँ पे क्या टू जीन टू कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जो इनकी जीन्स है वो हम क्या कर लेंगे, क्रॉसिंग कर करके हम यहाँ पे इसको गैमिट्स फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता था, सिंपली हम सेपरेट कर लेते थे, बट इस केस में हम क्या क्रॉसिंग करके गैमिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पुनेट बॉक्स देखेंगे। पुनेट स्क्वायर एक्चुअली होता है, ये क्या दिए थे, ये हमारे मेंडल्स ने दिया था, किन्होंने, मेंडल्स ने दिया था। और एक्चुअली इस पुनेट स्क्वायर के द्वारा हम इजीली उसके जीनोटिपिक कैरेक्टर्स एज वेल एज फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एक्टिव जनरेशन है उसमें कितने तरह के राउंड येलो सीड और कितने तरह के हमारे रिंकल ग्रीन सीड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर के द्वारा हम एक्टिव जनरेशन में देखेंगे कि किस किस तरह के कितनी वेराइटी हमें देखने को मिल रही है सीड में, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पुनेट स्क्वायर कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पे एक्टिव जनरेशन हमें देखने को मिलेगा, ओके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट आगे का पोर्शन। डायहाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी स्टार्ट किया था, F1 जनरेशन में हमने देखा था कि फोर टाइप्स के सीड हमें देखने को मिले थे राउंड ईयर। तो अब क्या करेंगे, राउंड ईयरों का हम लोग ने ऑलरेडी क्या, वो जो जीन्स थे उसकी हम क्या क्रॉसिंग कराए थे और गैमिट्स बनाए थे, ठीक है। तो अब उन्हीं गैमिट्स की आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है जिसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। और पुनेट स्क्वायर की हेल्प से जो गैमिट्स बन करके तैयार हुई थी, फोर टाइप्स के जो हमें राउंड येलो सीड बन करके तैयार हुई थी, उसकी हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। और इस बॉक्स के हेल्प से हम इजीली ये चीज़ पता कर सकते हैं उसके फिनोटाइप्स कैरेक्टर्स कि मतलब कितने तरह के हमारे राउंड येलो बन रहे हैं, कितने तरह के राउंड ग्रीन बन रहे हैं, राउंड रिंकल शेप बन रहे हैं, हर एक चीज़ कितने टाइप की हमारे सीड की वेराइटीज फॉर्म हो रही है, इस पुनेट स्क्वायर के द्वारा हम उसको जानेंगे, ठीक है। तो ये क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉपी में भी प्रैक्टिस करते रहना है वीडियो के साथ साथ। तो ये आपको क्या करना है, ये बॉक्स ऑलरेडी बना है, तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारे F1 जनरेशन में जो हमने गैमिट सीखा था, क्रॉसिंग करने के बाद जब वापस से हमें मिला, जो अभी हम लोग इससे पिछले क्लासेस में गैमिट्स बन करके तैयार हुए थे, वो गैमिट्स हमको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो वो गैमिट्स हमने यहाँ पे लिख लिया है, फोर टाइप्स के हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी क्रॉसिंग कराना। तो वन बाय वन करते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर Y है, तो कैपिटल R, कैपिटल I, कैपिटल Y, इसकी क्रॉसिंग इससे, इससे क्रॉसिंग इसकी, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल Y, नेक्स्ट इसकी क्रॉसिंग कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, नेक्स्ट कैपिटल R, स्मॉल Y, कैपिटल Y। आपको बोलते भी रहना है ताकि इजीली आपको प्रैक्टिस हो जाए। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल Y, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर कैप स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हमने क्या कर लिया, क्रॉसिंग करा लिया, गैमिट्स का फ्यूजन करा लिया। अब हम देखें कि कितने तरह के हमारे जो सीड है वो राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, या फिर रिंकल ग्रीन या रिंकल येलो, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो ये क्या है, ऑब्वियसली जीन्स हमारे सभी यहाँ पे डोमिनेंट है, तो क्या है, राउंड येलो है, ये हमारा क्या है, राउंड येलो है, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, राउंड येलो है, नेक्स्ट ये भी हमारा क्या है, राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ठीक है, नेक्स्ट ये भी हमारा जीन कैसा है, राउंड येलो है, ये हमारा कैसा है, राउंड राउंड, ये हमारा ग्रीन है, ठीक है, राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आर जी मतलब राउंड ग्रीन, नेक्स्ट ये क्या है, राउंड आपका येलो है, ये क्या है आपका, राउंड ग्रीन है, आर जी, नेक्स्ट ये भी आपका क्या है, राउंड येलो है, नेक्स्ट ये भी आपका क्या है, राउंड येलो है, नेक्स्ट ये आपका क्या है, रिंकल
और ये क्या है आपका ग्रीन डब्ल्यू जी, ठीक है। वाई स्मॉल आर है मीन्स वो आपका रिंकल शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्या है रिंकल येलो, रिंकल येलो डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ऑफ वाई मीन्स आपको जो यहाँ पे कैपिटल वाई वो डोमिनेंट जीन है और ये क्या है रिसेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये कैपिटल आई ये आपका राउंड येलो है, ये आपका क्या है राउंड ग्रीन है और ये आपका क्या है रिंकल येलो और ये आपका क्या है रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो हम देख लेंगे हम काउंट कर लेते हैं कितने हमारे राउंड येलो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं राउंड येलो 9। अब हम देख लेंगे हमारे रिंकल ग्रीन कितने हैं, तो रिंकल ग्रीन हमारे कितने हैं 1 2 3 कितने हैं 3। ये हम फिनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा हमने देख लिया कि 9 हमारे क्या है राउंड येलो है और 3 हमारे क्या है ये रिंकल ग्रीन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कि रिंकल हमारे येलो कितने हैं, ठीक है। तो रिंकल येलो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये क्या है 1 और ये 2, ये भी हमारा सॉरी ये हमारा क्या है रिंकल येलो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर तो रिंकल है बट कैपिटल आई है तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा रिंकल येलो। तो 1 2 3 तो यहाँ पे हमारा क्या है ये 3 हो गया। नेक्स्ट हमारा रिंकल ग्रीन कितना है सिर्फ 1। तो आप देख रहे हैं रेशियो क्या बन करके तैयार हुआ है 9:3:3:1 ये हमारा क्या है फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। इसे आपको याद रखना कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस का आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या है 9:3:3:1 ये आपका फिनोटिपिक रेशियो है। फाइनली यहाँ पे आपका डायहाइब्रिड क्रॉस भी कंप्लीट होता है, लेकिन आपको बुक से भी इसको जरूर से रीड करना है, ठीक है। कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि ऐसे बुक से रीड करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग अच्छे से बुक से कॉपी से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद इसके बावजूद आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी डाउट तो आप उसको बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, ओके। तो हम लोग का डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने स्टडी किया, नेक्स्ट वीक में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ओके। थैंक यू।